आदरणीय सरताज सिंह जी, मंत्री वन विभाग, आदरणीय पंडित गोपाल भार्गव, मंत्री सामाजिक न्याय ग्रामीण विकास, आदरणीय मरावी जी, राज्य मंत्री वन राजस्व दवे साहब, अनिल ओबराय साहब, सभी उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण, मैं पहले सोचता था कि ये फॉरेस्ट कवर और वन विभाग ये हमारे कामों में रोड़ा है। जो भी विकास करने वाले विभाग हैं, चाहे वह PWD विभाग हो, जल संसाधन हो, ग्रामीण विकास हो या माइनिंग का हो, और फिर कहने के लिए तो भारत सरकार का रेल विभाग भी हो सकता है, इन सभी को ज़मीन चाहिए पड़ती है। परंतु ये बात भी सही है कि इस विकास की वह पोह में कहीं ऐसा हमारा पर्यावरण न बिगड़ जाए, यह देखना भी सबका काम है। और निश्चित तौर से तब भारत सरकार ने ऐसी एक संरचना की कि एकदम आसानी से भूमि का दुरुपयोग, उसका अधिग्रहण करके न हो सके, वनों का संरक्षण भी हो सके और विकास का कार्य भी हो सके, एक बैलेंस रहे दोनों के भीतर। और जैसे हम लोग भी कई बार वन जल संसाधन विभाग में बात करते हैं कि अब देखिए साहब, वन विभाग के कारण कितना विलंब हो रहा है, हमारी लागत बढ़ गई, अगर कुछ साल पहले हो जाता तो हमारी लागत इतनी होती और इतने लोगों को अभी तक हम खेतों में पानी दे सकते होते। आज इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के IT सेल ने ऑनलाइन कार्य प्रारंभ किया है कि जो भी संबंधित विभाग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, डे टू डे बेसिस के ऊपर उसकी मॉनिटरिंग हो सकती है, टोटल ट्रांसपेरेंसी है, डिजिटाइज्ड मैप्स भी उपलब्ध हो जाएंगे। निश्चित तौर से जो ये इन सारी प्रक्रिया में बहुत लंबा समय लगता है, वह हमारा समय बचेगा। इसके लिए मैं आपके विभाग को बधाई देना चाहता हूँ और मैं आशा करता हूँ आगे चल के विकास कार्यों के लिए अलग अलग विभागों में जो समय समय के ऊपर हमें भूमि की उपलब्धता होती है, उसके लिए वन विभाग से समय के भीतर ही पूरी जानकारी मिल जाएगी और हमारी समस्याओं का निराकरण हो सकेगा। आज ये आयोजन आपने किया, इसके लिए फॉरेस्ट विभाग बधाई का पात्र है। हम तो निश्चित तौर से गौरवान्वित होते हैं जब हमें पता चलता है कि फॉरेस्ट मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का IT सेल इस समय देश में नंबर एक पे काम करता है, तो निश्चित तौर से हम लोगों का भी सिर ऊंचा होता है। मैं आशा करता हूँ इसी प्रकार से भी वन विभाग आगे कार्य करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। किसी भी समाज में विकास हो, पर्यावरण में जब तक सामंजस्य न स्थापित हो, सार्थक प्रगति नहीं हासिल की जा सकती। आपके इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए सभी विभाग अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे माननीय वन मंत्री जी की मंशा हमेशा यही रही है कि कोई भी कार्यक्रम चलाया जाए उसका लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को मिले,